please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के मददगार कुछ लोगों का वीडियो सामने आया है. वीडियो में मुठभेड़ के समय इलाके के कुछ लोग दो आतंकियों को भागने में मदद कर रहे हैं. इलाके के इन लोगों की मदद से ये आतंकी वीडियो में बंदूक के साथ भागते नजर आ रहे हैं. तो पुलवामा की तस्वीरें आप देख सकते हैं. दरअसल इलाके के लोगों ने आतंकियों की मदद की, जिस वजह से आतंकी भागने में कामयाब भी हो गए. मुठभेड़ के समय ये आतंकी भागे और इस बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में दो आतंकी भाग रहे हैं और स्थानीय लोग इनको भगाने में मदद कर रहे हैं. समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रहती है कि इलाके के लोग आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के जरिए भी एक बार फिर से इस बात की पुष्टि हो गई है. यूपी के झांसी में एक बुजुर्ग वहां के एक थाने में तैनात दारोगा को निलंबित करवाने के लिए एसडीएम से फरियाद करने लगा. बुजुर्ग का आरोप है कि दारोगा ने उसकी पोती को भगाने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिससे दुखी होकर उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिसके बाद मामले की जानकारी लेने पहुंचे एसडीएम से बुजुर्ग ने लहचूरा थाने में तैनात दारोगा को निलंबित करने की मांग की. हमारे साथ अन्याय किया है, इनका सस्पेंड होना चाहिए. यो हमसे कह के रहे कि तुम्हारा मोड़ी को नारी निकेतन में भेज दिया है और उस लड़का भाग गया है. हाँ, लड़का भाग गया है. लड़का कैसे भाग गया? आरोप है कि बुजुर्ग की पोती घर से गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट लहचूरा थाने में दर्ज की गई. इसके बाद पुलिस ने उस लड़की को एक लड़के के साथ खोज निकाला, लेकिन बुजुर्ग का आरोप है कि पुलिस ने लड़की को भगाने के आरोपी लड़के को छोड़ दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. पीड़ित परिवार ने आरोपी दरोगा पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया. फिलहाल रुकते हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ.